हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी। सुबह उठी हूँ, कपड़े धोए हैं, अभी कपड़े धो के साथ मैं आलू गोभी फ्राई करने लग गई। आज बनाऊंगी आलू पूड़ी की सब्जी और पूड़ियाँ। गोभी मैंने रिफाइंड डाल के, गर्म हो गया रिफाइंड, और मैं कढ़ाई में गोभी डाल दी, गोभी डाल रही हूँ। गोभी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको फिर बाहर निकाल लूंगी, फिर आलू फ्राई करूंगी। जब तक सब्जी बनती है, मेरी सब्जी बनेगी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं फिर से मलेशिया जाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर तो मेरा गुजारा नहीं होता, फिर घर बैठी रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता, घर में कोई कोई आमदन भी नहीं आती। हमारा तो अब यूट्यूब भी इतनी आमदन नहीं देता जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके। मैंने अब पासपोर्ट अप्लाई करने की सोच ली है। बस मैं एक दो दिन में अपना पासपोर्ट अप्लाई करने जा रही हूँ दोबारा नए से, फिर मैं दोबारा से फिर मलेशिया वापस जाऊँगी। मैं तो सिर्फ मलेशिया से प्रयांश के लिए आई थी, उधर मैं अच्छा अपना कमाती थी, इनको भी 10-15 हज़ार रुपये भेजती थी। कम से कम मेरी जो इनकम थी उधर 25 हज़ार थी। अब इधर तो मेरे को 5-10 हज़ार भी नहीं बनता, 4-5 भी नहीं बनता, और मैं इधर में क्या गुजारा करूंगी। मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं, गोभी तो पहले ही फ्राई कर ली थी, अब मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकालूंगी। अब मैंने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, कमाई से ही सब काम चलता है। अब मैं बाहर जाऊंगी तो फिर पैसा कमाऊंगी, फिर बच्चों को पढ़ाना है, प्रियांश को भी पढ़ाना है, नन्नू को भी, गौरव को भी पढ़ाना है मैंने, और इनके लिए भी पैसा चाहिए। तो मैं सोचा भी चलो फिर वापस चली जाऊँ। अब तो आए भी मुझे 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो चुके हैं, और जाने का प्लान मैंने बना लिया अपने मन ही मन में। प्रयास कहता है, प्रयास बोलता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जब मैं अपने रामपुरे मैके जाती हूँ, लेके जाती हूँ, तो वहाँ भी नहीं मुझे जाने देता, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाने देता। फिर बोलता है नहीं जाना, मैं मलेशिया तो जरूर जाऊंगी, फिर भी ये बोल रहा है कि मैंने नहीं जाने देना। पर मैं करूं क्या, इधर में इंडिया में कोई कमाई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें जीरा डालूंगी, पहले थोड़ा सा घी भी कम करूंगी, घी ज्यादा है इसमें, थोड़ा कटोरी में घी कम करूंगी, उसके बाद में मैं जीरा डालूंगी। ये रिफाइंड ज़्यादा था, मैंने फ्राई करा था ना, उसमें गोभी आलू और जीरा डाल दिया। जीरा जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद में मैं प्याज डालूंगी। प्याज डाल दिए, प्याज को मैंने ग्राइंड किया था, आलू प्याज अदरक हरी मिर्च इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। जैसे ये ब्राउन होएंगे फिर इसके बाद में इसमें टमाटर कट करके टमाटर डालूंगी। सॉरी गाइस, अब आगे की रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी की संगत आ गई है। आज शनिवार है, आपको पता है मंगलवार शनिवार को जो है चौंकी लगती है, तो चौंकी की वीडियो भी अगर आप बोलोगे तो मैं मम्मी के चैनल पे शेयर कर दिया करूँगी उनकी शूट करके, क्योंकि वीडियो एडिट मैं ही करती हूँ। और हाँ, मम्मी वॉइस ओवर अब करने लगी हैं। आप सब बोले थे कि आंटी जी को बोलो वॉइस ओवर किया करे। हाँ, मम्मी शूट भी कर लेते हैं, शूट अपने आप से कर लेते हैं सुबह उठ के। और मेरे फ़ोन दे दिया था मैंने कि मेरे फ़ोन में कर लो अब शूट, और मम्मी के फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। अब मम्मी को मैं समझा रही हूँ कि मम्मी कोई बात नहीं, हम औखे सौखे गुजारा कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने मम्मी को कितनी मुश्किल से वापस बुलाया था। आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। अभी देखो गरम तेल की कटोरी पकड़ ली थी मम्मी ने, भी हाथ जला लेते। मम्मी ज़्यादा ही सारा दिन मैं तो रहती हूँ टेंशन में, लेकिन मम्मी मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि अगर कहीं शादी करने की सोचते हैं मेरी तो वो लोग सीधा ये बोल देते हैं कि मतलब मेरे को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन बच्चे को नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं कहीं भी शादी की नहीं, हाँ नहीं करती। और फिर मम्मी भी कह मम्मी पहले तो कह देते थे कि चलो प्रियांश को मैं रख लूँगी, पर अब उन्होंने देखा है कि प्रियांश उनके पास नहीं रहेगा, मेरे बिना नहीं रहता, ना ही मैं उसके बिना रहती हूँ, वो तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाता है।
तो इसलिए मम्मी कहते भी नहीं, अब मुझे भी आप बाहर नहीं भेज सकते, मेरे साथ प्रियांश जाएगा तो मैं बाहर जाऊंगी, मैं प्रियांश को छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए मम्मी बोल रहे हैं कि मुझे ही वापस जाना पड़ेगा। और अभी मम्मी का एक ही बार पासपोर्ट बन सकता है, लास्ट ये पासपोर्ट है, तो इसके बाद नहीं बन पाएगा, तो अभी तो लास्ट चांस है। तो मम्मी बोल रहे हैं कि मैं बाहर ही चली जाती हूँ, यहाँ तो ना कोई जॉब मिलती है, कोई 3-4 हज़ार से ज़्यादा ऊपर पैसे ही नहीं देता है, और मम्मी को तो बिल्कुल जॉब ही नहीं मिलती है, मुझे मिलती है तो हद से हद 5 हज़ार 6 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। तो इससे इतना तो फिर यूट्यूब पे ही कमा सकते हैं, 5-6 हज़ार तो मैं कमा ही रही हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मम्मी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो मैं जाऊँ, मेरा मन नहीं है भेजने का, मैं ये नहीं चाहती कि जाए, क्योंकि प्रियांश मम्मी के साथ बहुत हंसता खेलता रहता है, मैं तो फिर भी काम काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन मम्मी चलो इसके साथ खेलते भी हैं, इसके साथ इसको पढ़ाते भी हैं, इसके साथ खेल में लगे रहते हैं किसी न किसी तरीके से, और प्रियांश फिर मम्मी के रहते खुश रहता है, मम्मी को नानी के भी नहीं जाने देता। यहाँ देखिए मैं आ गई थी और मैं चाय लेने आई थी, मैं सो के उठी थी, अभी सो के उठ के मैं चाय ले लूँ, तो चाय पीने के लिए आई थी यहाँ पे, और फिर यही मम्मी मुझे बोले ही जा रहे थे जब मैं किचन में आई, क्योंकि मतलब मैंने जाना है, मेरा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बोल दिया उस लड़के को, वो हमें जानता ही है जो पासपोर्ट अप्लाई के लिए वो फॉर्म वगैरह भरता है, यानी क्या अप्लाई करता है, जो डेट वगैरह देता है, उसको मम्मी ने फ़ोन पर आज बोल दिया कि मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दे, भी मैंने जाना है। तो ये देखिए मम्मी की आलू गोभी है जो बन के तैयार हो गई है, मम्मी की रेसिपी यही है, फ्राइड आलू गोभी, और अभी तो हमें मेरी मम्मी के हाथों का खाना मिल रहा है, मम्मी बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, बाहर चले जाएंगे वापस तो हम फिर से अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं मम्मी को जाने तो नहीं देना चाहती, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो मुझे या मम्मी को एक जने को तो जाना ही पड़ेगा, भाई की भी आगे देखनी है सिचुएशन, फ्यूचर प्रियांश का फ्यूचर देखना है, और नीलम का भी बेबी आने वाला है, उसको भी आपको पता ही है देन लेन देना होता है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो घर का ही गुजारा यूट्यूब की सैलरी से बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो कैसे सब कुछ अरेंज कर पाऊँगी मैं। सो ये मम्मी ने खाना बना दिया था, मैं ही जा रही हूँ भाई को देने के लिए, और सॉरी मम्मी के व्लॉग का टाइम हो गया था, तो मम्मी की लेकिन संगत आ गई, इसलिए मैंने कहा चलो आपने जो जो बोलना है मुझे बता दो, मैं बोल दूँगी और फिर मैं जो है अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो अब वीडियो के लिए मम्मी संगत तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, इतना है कि चलो मंदिर का काम चल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके सबके काम हो रहे हैं। सो मैं भी नहा ली, चिंदू भी नहा लिया, नहा के फ़ोन उठा लिया, क्योंकि बिना फ़ोन के रोटी नहीं हजम होगी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी ने आज बनाई है, मैंने बनाई थी रात पनीर भुर्जी, वो ले आई हूँ मैं, आलू गोभी चटनी पूड़ियाँ, प्रियांश पूड़ी नहीं खा रहा तो इसके लिए रोटी बनाई है। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, आप भी आ जाओ, आप भी कर लो नाश्ता, प्रियांश पहले से ही नहीं करता।